ये उत्सव जैन धर्म का, महोत्सव पावन पर्व का, पंच कल्याण का पर्व है आया, जैनों के अभिमान का। गौरी गौरी मंगल गौरी गौरी मंगल गौरी 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 मंगल गौरी गौरी मंगल गौरी 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 मंगल गौरी घर घर दीप जलाओ ध्वजारोहण एक पंचकल्याण महोत्सव में विशेष आरंभ भी किया गया। तो ध्वजारोहण का क्या उद्देश्य? ध्वजारोहण सबसे प्रथम मंगलाचरण का रूप है। ध्वज आरोहण, ध्वज का आरोहण करना, जिस प्रकार ध्वज गतिमान रहता है, ऐसे ही जीवन की प्रगति के लिए, समाज की प्रगति के लिए, आप परिवार की प्रगति के लिए, देश राष्ट्र की प्रगति के लिए, आत्मा की प्रगति के लिए आप हमेशा गतिमान रहे। तो गतिमानता का प्रतीक ध्वजारोहण है, महामंगल का प्रतीक ध्वजारोहण है, इसलिए ध्वजा का बहुत बड़ा महत्व है। शिखर पर भी ध्वजा होती है, वेदी पर भी ध्वजा होती है, अन्य स्थानों पर ध्वजा होती है, और देश की ध्वजा तो मालूम ही है, जो राष्ट्रीय ध्वज होता है उस ध्वज का अपने आप में दोनों में महत्व है। जैसे आप संघ में नायक है, उसी तरह से एक बार बार हमारे को सुनने मिल रहा है कि विधि नायक, तो विधि नायक से क्या तात्पर्य? देखिए, विधि नायक का अर्थ है विधि और नायक दो शब्द हैं। जिस पंचकरण प्रतिष्ठा में नायक के रूप में विद्यमान है, मुख्य रूप में विद्यमान है, उन मुख्य पर जो पूरी विधि विधान संस्कार क्रिया की जाती है, उस प्रतिमा का नाम विधि नायक है। इसी संदर्भ में एक शब्द और भी आता है, मूल नायक। मूल नायक, मूल नायक जो होते हैं वो मंदिर के मूल होते हैं, जिनके नाम से मंदिर की पहचान होती है उनको हम मूल नायक कहते हैं, जिनके नाम से समाज की भी पहचान होती है उनको हम मूल नायक कहते हैं। अगर हमारे मूल नायक व्यवस्थित है, सब अच्छे है, तो समाज भी अच्छे है। ऐसे मंदिर में जो प्रतिमा मूल रूप में विराजमान की जाती है मंदिर के रूप में, और उस उनको हम मूल नायक कहते हैं, और उनके नाम से मंदिर चलता है। जैसे वासुकुज भगवान मूल नायक है, तो हम मंदिर को वासुकुज भगवान के नाम से ही जानेंगे। बोले इस मंदिर के, इस नगर के, हमारे समाज के मूल नायक कौन है? आपकी पहचान वासुकुज स्वामी आप मूल नायक है, कहीं आदिनाथ स्वामी, इसलिए मूल नायक का भी महत्व माना जाता है। पंचकल्याण महोत्सव के दौरान रत्न वृष्टि, ये जो शब्द आता है, तो अचानक आश्चर्य होता है कि आखिर इसका तात्पर्य क्या है? देखिए, आश्चर्य होना भी चाहिए, क्योंकि पंचाश्चर्य में रत्न वृष्टि है, और पंच आश्चर्य उसमें पहले से आश्चर्य जुड़ा हुआ है, तो आश्चर्य जब जुड़ा है तो फिर आश्चर्य हुआ। इतना जैसी महान शक्ति जन्म लेने वाली हो, वहां पर किसी भी प्रकार की दरिद्रता नहीं होना चाहिए, धन धान से परिपूर्ण होना चाहिए, सब संपन्न होना चाहिए, कोई किसी भी प्रकार के दुखी न रहे, परेशान न रहे, इस भावना से पूरे नगर में रत्नों की वृष्टि की जाती है। इस भूमि के अंदर इतने रत्न समाविष्ट हो गए हैं, इस भूमि का नाम ही रत्नगर हो गया। वास्तव में इतने रत्नों की वृष्टि हो गई है, तीर्थंकर भगवान के जन्म आदि संगत, तो उसपे हमारे भूमि में रत्न ही रत्न समा गए। तो हमारी भारत भूमि तो ऐसी है, जहाँ खोज वहाँ रत्न मिलते हैं, और ये जैन दर्शन में उल्लेख आता है रत्न वृष्टि का। हम पुराण, आदि पुराण, हरिवंश पुराण, महापुराण आदि आदि ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो वहाँ पर सभी उल्लेख है रत्न वृष्टि का। और भी पंचाश्चर्य होते हैं, तो यहाँ पर रत्न वृष्टि विशिष्ट रूप में है, यूँ कहेंगे।